और पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा डैमेज है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। अभी आपने देखा कि 20 लोग जो थे वो पीटीआई को छोड़कर आए थे, वो अपने जमाने के माने हुए इलेक्टेबल्स थे जिनको बड़ा भरोसा था कमारिया, उनको पीएमएलएन की टिकट दिए गए। अब जनाब जब कैलकुलेशंस की गई, तासुर ये दिया गया कि ये तो जीते हुए, इतने इनके पहले वोट थे, उसमें से अगर आप पीटीआई के इतने निकाल दो, जाती इतने थे, उपने ये आ गए, हमारे जो पीएमएलएन का था इतने पीपल्स पार्टी के वोट डलेंगे, इतने फलां के डलेंगे, इतने हुआ क्या, 20 के 20 जो है वो बुरी तरह पिट गए। आसमां में बार बार कह रहा हूं, सबको बता रहा हूं, अब वो पहले वाला वोटर नहीं है। आज 10-15 साल वहां, 15 साल 10 साल 5 साल शायद पहले आप बात करते कि फलां मेरे साथ है, बिल्कुल कमिटेड, मुझे बैकिंग है, फलां की तो लोग कहते थे अच्छा अच्छा ये हुकूमत में आ रहा है इसी को वोट दे दो। नहीं, अब लोग ऐसी बात नहीं करते। आज का वोटर इज ए टोटली डिफरेंट वोटर, और अगर आप पुरानी टेक्निक से इस पे डील करेंगे तो जो भी करेगा पिट जाएगा, पिट जाएगा। तो ये बड़ी आपने अहम बात की, लेकिन शायद लोग अभी समझते नहीं है, वो कहते हैं गल होगी तो फिर समझो, फिर मामला सारा। देखो, एक बंदे का वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे, कोई कैंडिडेट है तो उसने कहा कि तुसी सानू भावे ना भी वोटां दियो तां वी असीं बन जांगे, साडी गल होगी। उसकी जो पिटाई हुई है, जिस तरह उस बेचारे को मारा गया, मतलब मुझे उस पर अफसोस आ रहा है कि उसने भी इसी तरह बात कर दी होगी कि चलो शायद इससे रो पड़ जाएगा वोटर।